गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। आज हम लेसन नंबर 11 मदारी का खेल पढ़ेंगे। ठीक है, लेसन नंबर 11 आप देखें। लेसन नंबर 11 है मदारी का खेल। तो लेसन पढ़ते हैं पहले हम, ध्यान से देखिए सभी बच्चे। एक मदारी ने गली में खड़े होकर जैसे ही डमरू बजाया, गली के सारे बच्चे अपने अपने घरों से निकलकर उसके पास खेल देखने के लिए खड़े हो गए। जैसे ही डमरू बजाया, गली के सब बच्चे उसके पास आए। मदारी के पास एक बंदर, एक बंदरिया और एक झोला था। बंदर ने टी शर्ट और पैंट पहन रखी थी। बंदरिया ने शर्ट और टॉप पहन रखा था। मदारी के झोले में बहुत सा सामान था। अब आगे देखिए आप, बच्चों ने मदारी से खेल दिखाने के लिए कहा और मदारी ने खेल शुरू कर दिया। ये देखो, आपको खेल भी दिखाया जा रहा है। मदारी है, बंदर बंदरिया, बंदरिया गठरी लेकर जा रही है और सभी बच्चे इसके आसपास खड़े हैं। मदारी ने खेल शुरू कर दिया। वह बंदर से बोला, क्यों रे रामू, कुछ काम क्यों नहीं करता? ले डंडा और मैदान में जाकर गाय चरा कर आ। ये डंडा ले और मैदान में जाकर गाय चरा कर आ। डंडा पकड़कर बंदर जैसे सचमुच गाय चराने जा रहा हो। यह देखकर सब बच्चे हंसने लगे। कुछ देर बाद मदारी ने झोले से एक पोटली निकाली और बंदरिया से कहा, तू बैठे बैठे क्या कर रही है? ले पोटली, अपने पति को खाना दे आ। अब तुम्हारा पति गाय चराने चला गया ना, अब तुम उसे खाना देकर आओ। बंदरिया सिर पर पोटली रखकर बंदर के पीछे मटक मटक कर चलने लगी। देखो, बंदरिया जा रही है ना, पोटली सर पे है इसके और बंदर के पीछे जा रही है। यह देखकर बच्चे खूब तालियां बजाने लगे, खूब खुश होने लगे। मदारी खेल खत्म करते हुए बंदर और बंदरिया से बोला, सभी लोगों को नमस्ते करो, ये सभी तुम दोनों को खाने की पीने की चीजें देंगे। मदारी की बात सुनते ही दोनों नाच नाच कर बच्चों को नमस्ते करने लगे। सभी ने उन्हें पैसे दिए। ढेर सारे पैसे लेकर मदारी डमरू बजाया, झोला उठाकर चल दिया। उसके पीछे पीछे बंदर बंदरिया भी चल दिए। ये लेसन आपने पढ़ा। अब मैं आपको इस लेसन के शब्दार्थ करा रही हूँ। अब वो लेसन के शब्दार्थ आप देखिए, जैसे गली शब्द यूज हुआ था, तो गली हम क्या कहते हैं, एक तरह का रास्ता होता है। इस सड़क से कम चौड़ा होता है, उसके दोनों तरफ मकान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गली कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे, गली कहते हैं। मदारी खेल दिखाने वाला, मदारी कौन होता है, जो खेल दिखाता है। आया था ना मदारी, उसने डमरू बजाया, सभी बच्चे अपने घरों से बाहर आ गए और बंदर बंदरिया का खेल देखने के लिए बड़े ज्यादा खुश हुए। झोला क्या होता है, सामान रखने वाला एक बड़ा थैला। झोले का अर्थ क्या होता है, सामान रखने वाला एक बड़ा थैला। पोटली, एक छोटी सी गठरी। आपने देखा ना, बंदरिया सर पर रखकर जा रही थी, एक छोटी सी गठरी। ढेर सारे का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। मदारी ने कहा था खेल खत्म हुआ था कि आप दोनों ने नमस्ते करो, ये आपको ढेर सारी खाने की चीजें देंगे और पीने की चीजें देंगे और कुछ पैसे भी देंगे। डमरू का अर्थ क्या होता है, एक प्रकार का बाजा। डमरू का अर्थ क्या होता है, एक प्रकार का बजाने वाला ये यंत्र होता है। पहले उसने डमरू बजाया और उस डमरू को बजाते ही सारे बच्चे उसके पास में आ गए। तो आप सभी जो प्रश्न उत्तर है, ये जो शब्दार्थ है, आप इन्हें अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में लगेंगे, लेसन नंबर लिखेंगे और शब्दार्थ उतारेंगे। बाकी इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको अपनी अगली वीडियो में करवा दूंगी बेटा। बाय बेटा, आप सब अपना ध्यान रखें। ओके, बाय बाय।